हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोपीनिया की कंडीशन के बारे में। तो ल्यूकोपीनिया की कंडीशन क्या होती है? तो ल्यूको का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स, मतलब कि जो सफ़ेद कणिका होती है खून की, वो मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मदद करता है। यहाँ पे पीनिया का मतलब होता है कम होना। तो ल्यूकोपीनिया मतलब कि जो श्वेत कणिकाएँ होती है हमारे खून की, वो कम होना, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपको 3-4 दिन से बुखार लग रहा है, ठंड लग रहा है, देन शरीर पूरा बदन दर्द कर रहा है या फिर सिर दर्द रहता है, तो आप जब खून की जांच करवाते हो तो उसमें जो CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की रिपोर्ट होता है, तो उसमें ऐसा टर्म लिखा हुआ मिलता है ल्यूकोपीनिया। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे आपके जो सफ़ेद कणिकाएँ हैं खून की, जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो कम हो गई है। नॉर्मली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 4000 से लेके यहाँ पे 11000 के बीच में रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप में इन्फेक्शन की कंडीशन होती है तो वो बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो अगर यहाँ पे आपकी रिपोर्ट में ऐसा जो इम्प्रेशन होता है वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस लिखा हुआ मिलता है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे आपकी जो श्वेत कणिकाएँ हैं वो बढ़ गई हैं। और वो क्यों बढ़ती है? तो वो इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ती है। वैसी ही कंडीशन होती है ल्यूकोपीनिया, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर आप में कुछ इन्फेक्शन्स होते हैं, कुछ कंडीशन होती है, उनकी वजह से भी आप में यहाँ पे जो श्वेत कणिकाएँ होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे आगे बात करें तो जो श्वेत कणिकाएँ होती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके 5 प्रकार होते हैं। एक होता है पॉलीमॉर्फ, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगर इनकी कमी रहती है तो उनको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 55 से 70% तक, मतलब कि इन जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इंफेक्शन में बढ़ जाते हैं। मतलब कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरे होते हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स है वो सेकेंड मोस्ट यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा प्रकार होता है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन, आप में सूजन की कंडीशन है तो उनके सामने यहाँ पे प्रतिकार करने के लिए, उसके अलावा कुछ एलर्जन से रिएक्शंस होता है तो उनके सामने यहाँ पे बेसोफिल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। आगे यहाँ पे होते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स है वो लार्जेस्ट होते हैं, मतलब कि सबसे बड़े होते हैं यहाँ पे, और वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बैक्टीरियल, वायरस और फंगल इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। और यहाँ पे लास्ट होते हैं इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस है, देन एलर्जिक रिएक्शंस है, उनके सामने यहाँ पे प्रतिकार करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो अलग अलग हमारे वाइट ब्लड सेल्स के प्रकार होते हैं वो अलग अलग इन्फेक्शन के सामने हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ल्यूकोपीनिया की कंडीशन किस किस वजह से रह सकती है। तो यहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, जैसे कि HIV वायरस की वजह से, जैसे कि एड्स जैसे इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे हो सकता है। श्वेत कणिकाएं है वो कम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे कैंसर की कंडीशन है आप में, तो उसकी वजह से रह सकता है, या फिर आप कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरापी है, जैसे कि कीमोथेरापी है, तो उसकी वजह से रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ल्यूकेमिया जैसा कैंसर होता है, तो उसकी वजह से भी आप में ल्यूकोपेनिया रह सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है आपने, तो उसकी वजह से भी ल्यूकोपेनिया रह सकता है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो खून की कणिकाएं होती है, जैसे कि प्लेटलेट्स है, श्वेत कणिकाएं है, रक्त कणिकाएं है, वो सभी बनती है हमारी बोन मैरो से। बोन मैरो है वो हड्डी के बीच का एक ऐसा भाग है जिससे ये सभी कणिकाएं बनती है। तो यहाँ पे बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उसकी वजह से अच्छे से उसका प्रोडक्शन नहीं होएगा, तो उस वजह से भी रह सकता है यहाँ पे कि आप में जो श्वेत कणिकाएं है वो कम देखने को मिल सकती है आपके शरीर में। तो उसमें देखें तो माइलोफाइब्रोसिस की कंडीशन होती है, जहाँ पे क्या रहता है कि बोन मैरो की जो टिश्यूज होती है वो ऐसे फाइब्रोसिस हो जाता है, उनमें ऐसे फाइब्रोस टिश्यूज जम जाती है, तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे अच्छे से जो श्वेत कणिकाएं बननी चाहिए वो नहीं बनती। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है जो कि सीजर में दी जाती है, दौरे पड़ते हैं उनमें दी जाती है, तो वैसी दवाइयों की वजह से। उसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ लेते हैं, कुछ कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ लेते हैं, जहाँ पे क्या रहता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उस केस में यहाँ पे इम्यून को सप्रेस करते
करते हैं, मतलब कि हमारी जो रोग प्रतिकार है उसको सप्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप में ल्यूकोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। आगे यहाँ पे कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां है, जैसे कि SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ऑटोइम्यून बीमारी क्या रहती है, तो ऑटोइम्यून बीमारी में क्या रहता है कि हमारी खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है, तो ऐसी बीमारियों को बोलते हैं ऑटोइम्यून बीमारी। तो यहाँ पे SLE की कंडीशन है, RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन की वजह से भी आप में यहाँ पे ल्यूकोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो स्प्लीन की जो साइज बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रमाण में क्या रहेगा कि ऐसी कणिकाएं टूटती है, तो उस वजह से भी आप में यहाँ पे ल्यूकोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। या फिर यहाँ पे ओवर एक्टिव स्प्लीन ज़्यादा काम करने लगे, तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स होता है, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत कणिकाएं होती है, वो ज़्यादा टूटने लगती है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो स्प्लीन है वो ऐसे छलनी की तरह काम करता है, मतलब कि जो भी खराब कणिकाएं होती है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम होएगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में जो श्वेत कणिकाएं हैं या फिर रक्त कणिकाएं भी टूटने लगती है, जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, तो वो भी रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो प्लेटलेट की कणिका भी ज़्यादा टूट सकती है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो बाय द वे हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल से बताया है, तो वो भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ और कारण भी रह सकते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे तो उसकी वजह से रह सकता है, जैसे कि B12 की आप में कमी है, या फिर फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर कॉपर है, जिंक है, इन सब की कमी है, तो उसकी वजह से रह सकता है। उसके अलावा देखें तो हमने आगे बोला कि कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर भी आप में ऐसे ल्यूकोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। आगे यहाँ पे डिस्कस करें तो सार्कोइडोसिस की कंडीशन है, जिसमें क्या रहता है कि ऐसे इंफ्लामेटरी सेल के क्लस्टर बन जाते हैं, ऐसे बंच बन जाते हैं, और वो अलग अलग जगह पे ऐसे जमा होते हैं, जैसे कि तो ऐसे बंच को बोलते हैं ग्रैन्यूलोमास, तो वो यहाँ पे ज़्यादातर लंग्स में जमा होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सार्कोइडोसिस की कंडीशन। तो इसकी वजह से भी आप में ल्यूकोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। कभी कभार क्या रहता है कि ऐसे जन्म से ही यहाँ पे ल्यूकोपेनिया की कंडीशन रह सकती है। तो ये सभी थे कारण यहाँ पे ल्यूकोपेनिया की कंडीशन के। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।